फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका मेहंदी आर्ट। सो आज मैं यहाँ पे एक पाम के वेरिएशन की एक नई डिज़ाइन लेके आई हूँ। सिंपल एंड इंटरगेटेड एंड डेलिकेट डिज़ाइन। सो हम बिना टाइम वेस्ट किए ये डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सो मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों का। बहुत ही अच्छी और डेलिकेट डिज़ाइन मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक्रेलिक हैंड से ये पाम की जो आउटलाइन है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। तो यहाँ पे जो मेज़रमेंट है वो आपको कैसे लेना है वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी, अगर हमें यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करनी है तो हम अपसाइड टू फिंगर्स का मार्जिन रखेंगे। टू फिंगर्स छोड़ के आपको डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। तो अभी मैं वीडियो को जूम कर रही हूँ। देन यहाँ से मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैज की डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। कैज, सो यू कैन सी दोनों साइड इक्वल लाइन मैंने यूज़ की है। देन यहाँ से लैंडस्केप लाइन। Now I am using straight line. Again I am using landscape line. Double line. थ्री टाइम लाइन्स। देन सेंटर में मैंने हाफ पोर्शन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। देन उसके पास में एक हाफ राउंड में लाइन, राइट साइड में लाइन। इसी लाइन को आपको कंटिन्यू करना है डाउन साइड। अगेन सेम वही लाइन आपको यूज़ करनी है। देन स्ट्रेट लाइन। सो ये बहुत ही इजी और सिंपल ट्रिक है केज बनाने की। सो आप गूगल से भी बहुत सारे केज के रेफरेंस डिज़ाइंस आप यूज़ कर सकते हो। केज के इमेजेस, केज के ड्राइंग्स आप सर्च करोगे, देन आप उसे देख के फॉर रेफरेंस इमेज के हिसाब से आप नया केज अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो। देन सेंटर पोर्शन पे मैं एक ट्रायंगल लाइन क्रिएट कर रही हूँ। डाउन साइड से मैंने यहाँ पे इसकी विंडो बनाने के लिए ऐसे राउंड यूज़ किया है। देन इसी लाइन को मैं कंटिन्यू करूँगी टू लाइन्स। देन उसको बोल्ड करना है। सो कभी भी आपको डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले लेआउट क्रिएट करना होगा। तो लेआउट आपका बहुत अच्छा है तो आपके सारे क्रिएशन, सारे वेरिएशन बहुत अच्छे होंगे। सो सबसे पहले जो है वो आप ट्राई करो कि लेआउट पहले ड्रॉ करो, देन अपसाइड में स्पाइरल यूज़ करके पेटल्स बना रही हूँ। हाफ पेटल्स क्रिएट करनी है आपको, कंटिन्यू करना है उसको। देन लीफ बनानी है।
रैंडम डायरेक्शन में मैं लीफ यूज़ कर रही हूँ। किसी किसी के लीव्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसका रीज़न ये होगा कि आप हमेशा स्ट्रेट लीव्स यूज़ करते हो। आप जब भी लीव्स यूज़ करो, रैंडम डायरेक्शन में यूज़ करोगे, तो जो लीव्स का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। समटाइम मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे क्लास में यही क्वेश्चन करते हैं, देन मैं काफ़ी टाइम से टीच कर रही हूँ तो मुझे मिस्टेक जल्दी पता चलती है, तो मिस्टेक ना हो उसके लिए मैं मिस्टेक पहले बताती हूँ। ऐसा ही पूरा सेटअप हम डाउन साइड भी करेंगे। डाउन साइड में वापस स्पाइरल यूज़ करूँगी, देन आई एम यूजिंग स्कैलप। सो ये बहुत ही क्विक क्रिएशन है, बहुत ही कम टाइम में आप ये डिज़ाइन बना सकते हो। आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हो और आपके पास ऐसा कोई वेरिएशन नहीं है और आपको चाहिए बहुत अच्छा भी लगे और बहुत कम टाइम में भी बने, तो आप ये डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। दैट लुक इज़ ऑलवेज फैंसी। सो नाउ आई एम यूजिंग बोल्ड बॉर्डर, देन अगेन सिंगल लाइन स्कैलप। तो यहाँ पे मैंने एक फिंगर का पोर्शन बनाया है जिसका जो मार्जिन है, जिसकी जो साइज है, मैंने वन फिंगर जितनी यहाँ पे साइज यूज की है, देन स्कैलप। देन आई एम यूजिंग माय फेवरेट झुमका। ये मुझे पर्सनली काफ़ी बहुत पसंद है, आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे ये, तो आप ज़रूर ट्राई करना। देन जिन्होंने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो नहीं किया है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज को भी जल्दी जल्दी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी बहुत सारे लाइव सेशंस होते हैं, बहुत सारे इंट्रिकेटेड डिज़ाइंस डेली अपडेट रहती है। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी, फिर भी मैं आप लोगों को आईडी शेयर कर देती हूँ, मोनिका जैन मेहंदी इंस्टाग्राम का मेरा पेज है। और जिनको भी पर्सनल क्लासेस करने हैं डिटेलिंग में, ज़ीरो लेवल से फॉर बिगनर, प्रोफेशनल, एडवांस, बहुत सारे कोर्सेज जो है वो मेरे यहाँ पे अवेलेबल है। 3 months मेरे ऑनलाइन बैचेस रहते हैं, देन 3 months ऑफलाइन बैचेस रहते हैं। आई एम बेसिकली फ्रॉम वापी, तो जो भी नियर बाई है या बाहर से आना चाहते हैं वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बट अभी ये कोविड का जो प्रॉब्लम है, कोविड की सिचुएशन को देख के अभी जो कंटिन्यूसली जो बैच चालू है वो सब ऑनलाइन है। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी बहुत ही डिटेलिंग में और बहुत ही अच्छे, उसमें वेरिएशन और सब आपको सीखने को मिलेगा। देन यूट्यूब पे तो मेरा ऑलरेडी रहता है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देन जिनको ऐसा है कि कंटिन्यूसली यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आते हैं, तो वो उसका रीज़न यही है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज बैचेस देन ऑर्डर वो सब होते हैं, उस वजह से मैं यूट्यूब पे टाइम कम दे पाती हूँ। तो जिनको ऐसा है कि बहुत जल्दी में करना है या पर्सनल क्लासेस अटेंड करनी है, तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा,
तो वहाँ पे मैं आपको पूरी क्लासेस की डिटेल और जितने भी रेगुलर मेरे बैचेस होते हैं तो उसकी पोस्ट मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करती हूँ, और मैं ट्राई करूँगी कि जितने भी मेरे नए बैचेस स्टार्ट हो उनकी पोस्ट मैं यूट्यूब पे भी अपडेट करूँ, तो आप वहाँ से भी ज्वाइनिंग कर सकते हो। सो ये बहुत अच्छा एकदम अच्छा वाला लुक लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो ये इतना लेआउट क्लियर हुआ है उसकी हम फिलिंग करेंगे। आउटसाइड से मैं जो लीव्स बना रही हूँ उसको इस तरीके से आपको फिल करना है बोल्ड पोर्शन में। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, और मैं बहुत ट्राई करूँगी कि बहुत सारे नए नए वेरिएशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो बस आपको जल्दी से मेरी वीडियो को कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, तभी आप लोग मुझे अप्रिशिएट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं आगे नए से नए क्रिएशन आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको डिज़ाइन पसंद आ रही है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरीके से जो हमारा अपोजिट पोर्शन है उसको भी हम ऐसे ही फिल करना है उसको भी। देन इसमें मैं ज़िगज़ैग शेडिंग यूज़ कर रही हूँ डाउन टू अप। यहाँ पे मैंने टेक्निक यूज़ की है डाउन टू अप, सर्कुलर मोशन में आपको कोन को घुमाना है। अभी तो सिर्फ हाफ डिज़ाइन हमने कंप्लीट की, उसमें लुक सो अमेजिंग। तो जब हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी तो इसका लुक सुपर से ऊपर वाला होगा। तो यहाँ पे मैंने डॉट जैसा बना के इसको बोल्ड फिलिंग किया है बॉर्डर को। आउटसाइड जो लाइन है वो सारी लाइंस को बोल्ड किया है ताकि ये जो हमारा केज है ब्यूटीफुल सा वो बहुत अच्छे से हाईलाइट हो। तो यहाँ पे हम विंडो में एक छोटू सा बर्ड ऐड करेंगे। सी स्मॉल बर्ड। तो इतना डिजाइन हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये हमारी जो हैंगिंग वाली जो लाइन है मैं इसे बोल्ड करूंगी। देन स्कैलप सो मुझे फिंगर में ज़्यादा वर्क नहीं करना है, मुझे पाम में ही ज़्यादा वर्क करना है, तो इस वजह से हम ये डिज़ाइन को थोड़ा सा हैवी करेंगे, लाइक थोड़ा सा जो एम्प्टी स्पेस है उसे हम क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिलिंग डिज़ाइन। तो आप अपने अपने वेरिएशन से यहाँ पे बहुत सारे फिलर के डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। इट नॉट कंपल्सरी कि मैं जैसा यूज़ कर रही हूँ वैसा आप यूज़ करो।
आपको हो सकता है कि इससे अच्छा फीलिंग का डिज़ाइन आता हो या बहुत अच्छी यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी आप कर सकते हो, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो इसे पूरा कंटिन्यू, ये जो स्पेस है वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे कम्प्लीटली। सो हमने फिलिंग कर दी है, देन हम फिंगर्स करेंगे। तो हम डेलिकेट डिज़ाइन और थोड़ा सा मॉडर्न देन वेस्टर्न लुक इसको दे रहे हैं, सो दैट्स वाई कि आपको फिंगर्स को हमेशा सिंपल रखना है, फिंगर्स की फिलिंग ज़्यादा नहीं करनी है। इफ़ अगर आप मॉडर्न डिज़ाइन बना रहे हो, इफ़ आप थोड़ा सिंपल करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो फिंगर्स है वो हमेशा सिंपल होनी चाहिए। सो अगेन हम यही डिज़ाइन इसमें यूज़ करेंगे। सो जिनको भी ये लीव बनाना नहीं आती है, ऑलरेडी मेरा वीडियो है लीव के ऊपर, टाइप्स ऑफ लीव्स एंड वाइन्स के डिज़ाइन, तो आप वो वीडियो देख के कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, जिनको लीव्स नहीं आती है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। देन यहाँ पे भी हम सेम डिज़ाइन यूज़ करेंगे। मेक श्योर आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करना, देन आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी डिज़ाइन को शेयर करना। देन एक चीज़ कि आप मेरे वीडियो से कुछ सीखते हो, आपको कुछ अच्छा लगता है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें। आप मेरे वर्क को अप्रिशिएट करोगे, मुझे अप्रिशिएट करोगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा। तो हो सकता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्रिएशन, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मैं डेली लेके आऊँ। तो जो भी डिज़ाइंस आप बनाते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे आईडी पे मुझे मेंशन करो, आप मुझे टैग कर सकते हो, तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे अगेन मैंने जूम का यूज़ किया है। ये जूम का चार चांद लगा देता है हमारी मेहंदी में, जिसे हम खुद झुमके नहीं पहनते या इयररिंग्स नहीं पहनते हैं, तो एवरी लेडीज़ एवरी गर्ल्स कैसे लगती बिना झुमके के, बिना इयररिंग्स के। तो वैसे ही कुछ वेरिएशन हमने यहाँ पे बनाए हैं झुमके को लेके, तो वो चीज़ हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो वो उस डिज़ाइन में बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर देती है, उस डिज़ाइन में चार चांद लग जाते हैं। तो यही यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा। तो ये मेरा, मैं बहुत कम चांस में कॉपी करती हूँ किसी के भी डिज़ाइंस देन वीडियोस, मैं अपने खुद के क्रिएशंस जो है वो ज़्यादा क्रिएट करती हूँ, और खुद से क्रिएट करना काफ़ी पसंद करती हूँ। तो खुद से डिज़ाइंस कैसे क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एक प्रोफेशनल टीचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एज नहीं कर सकते कुछ भी, नॉर्मली आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया, बट सही गाइडेंस जो होता है वो एक स्टूडेंट को जो मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से वो रह जाता है। तो मेरा मानना ये है कि मेहंदी की फील्ड में इफ़ अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आप प्रोफेशनल तरीके से कोर्स करो, प्रोफेशनल टीचिंग लो, प्रोफेशनल टीचर से आप सीखो, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो।
आप इस डिज़ाइन का देख सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये केज बर्ड्स एंड फ्लावर्स के डिज़ाइन जो है। तो आई होप आपको आज की ये डिज़ाइन पसंद आई हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देन मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और हाँ, साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।